नमस्कार दोस्तों, मैं अहमद ठाकुर एक बार फिर आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूं। इसमें इस वीडियो मैंने कुड को कवर किया हुआ है। कुड के ऊपर मैंने छह छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाए हुए हैं, तो उनको मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं मेरे सेंटेंस के साथ में। जो मेरा सेंटेंस है वो इस तरीके से है। जब मैं स्कूल में था मैं क्रिकेट खेल सकता था। तो सुनिए इसमें कैसे बोलेंगे। व्हेन आई वॉच एट स्कूल आई कुड प्ले क्रिकेट। व्हेन आई वॉच एट स्कूल आई कुड प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं दो साल पहले तक बिना चश्मे के पढ़ सकता था। आप अभी बिना चश्मे के पढ़ने पढ़ पा रहे हो, पहले दो साल पहले बिना चश्मे पढ़ लेते थे। तो सुनिए इसमें कैसे बोलेंगे। आई कुड रीड विदाउट ग्लासेस अंटिल 2 ईयर एगो। I could read without glasses until 2 years ago. My next sentence. 5 साल के नियमित व्यायाम के बाद मैं कल 100 किलो वजन उठा सका। मतलब आपने 100 किलो उठाने के लिए 5 साल कंटिन्यूस एक्सरसाइज की, उसके बाद आपने जो कल बीता हुआ कल था आपने उस दिन 100 किलो उठा लिया था। तो उसमें कैसे बोलोगे। आफ्टर 5 ईयर रेगुलर एक्सरसाइज आई कुड एबल टू लिफ्ट 100 केजी यस्टरडे। आफ्टर 5 ईयर रेगुलर एक्सरसाइज आई कुड एबल टू लिफ्ट 100 केजी यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस है, जब मैं छोटा था तब मैं 100 किलो से अधिक वजन उठा सकता था। इसमें आप कह रहे हो मैं छोटा था तो मैं 100 किलो से ज्यादा उठा सकता था, और अभी मुझे क्या करना पड़ेगा 100 किलो उठाने के लिए 5 साल तक कंटिन्यूस एक्सरसाइज करनी पड़ी है। तो उसमें कैसे बोलेंगे। I could lift more than 100 kg when I was young. I could lift more than 100 kg when I was young. My next sentence. हम समय पर नहीं पहुंच सके। आप कहीं पार्टी में जा रहे हैं और वहाँ पार्टी में आप समय पर नहीं पहुंच सके। तो सुनिए इसमें कैसे बोलेंगे। We could not reach on time. We could not reach on time. My next sentence है, वो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। किसी ने आप एक तो पार्टी में लेट पहुंचा, आपने किसी आपसे किसी ने प्रश्न पूछा और आप उसको आंसर नहीं दे रहे। तो सुनिए इसमें कैसे बोलेंगे। He could not answer my question.